देखी, आपने छोटे स्मॉल साइज के कलर सैंडविच तो देखे होंगे, लेकिन आपने जॉइंट सैंडविच कभी देखा है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिना। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी बिगेस्ट वर्ल्ड लार्ज जॉइंट कलर सैंडविच, और कलर सैंडविच बनाऊंगी मैं सिर्फ स्मॉल ब्रेड से। अब आप लोग सोचो स्मॉल ब्रेड से लार्ज यानी जॉइंट, बिगेस्ट यानी इतना बड़ा सैंडविच किस तरीके से बनाओगे? अब मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से बनाओगे। आप लोग हैरान हो रहे हैं ना, इतनी बड़ी ब्रेड के तो हो ही नहीं सकती। अब मैं स्मॉल ब्रेड से किस तरह बनाऊंगी, आप पूरी वीडियो देखते रहिएगा। और ये मैंने कलर सैंडविच बनाने के लिए जो चीजें मैंने ली है, मैं आपको बता दूं। ये मैंने चिकन बॉइल करके पहले से रख ली थी, चिकन बॉइल करके रशे निकाल लिए। ये मैंने हरी प्याज के पत्ते काटे हैं, और ये मैंने शिमला मिर्च छोटी शक्ल में काट के रख ली है, और ये मैंने येलो वाली शिमला मिर्च भी ली है ताकि खूबसूरती और दोबाला हो जाए, और ये मैंने मायनीज वाली बंद गोभी बना के रखी साइलेंट टाइप की, जो उसमें लगेगी वो मैं आपको बताऊंगी। और ये मैंने पानी लिया है ब्रेड तैयार करने के लिए, हमें ज्वाइंट ब्रेड बनानी किस तरह बनानी मैं आपको बताऊंगी। और ये मैंने बंद गोभी का एक बाउल लिया है, और ये कुछ सलाद के पत्ते लिए हैं, और कुछ मैंने ककम्बर यानी खीरे स्लाइस में काट के रख लिए हैं, और कुछ स्लाइस में मैंने 3 अदरक टमाटर स्लाइस में काट के रख लिए हैं, और ये मैंने तंदूरी मायो तैयार कर लिया है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप देख सकते हैं। और ये मैंने केचप लिया है प्याली में, और ये मैंने 3 अदरक अंडे लिए हैं जिसमें मैंने चुटकी बराबर नमक और चुटकी बराबर फूड कलर डाल के मैच करके रख लिया है। और ये मसाले जो इसमें सारे इसमें शिमला मिर्ची में और बंद गोभी में ये जाएंगे मसाले, वो ये हैं। मैंने 1 टेबलस्पून मैंने भर के मैंने चाट मसाला लिया, 1 टेबलस्पून मैंने भुना हुआ कुटा हुआ जीरा लिया, 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया, 1 टेबलस्पून मैंने कोटी हुई लाल मिर्च ली, और 1/2 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है। मसाले आप अपनी मर्जी से भी डाल सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑयल गर्म होने रख दिया था मैंने, देखिए कढ़ाई के अंदर सबसे पहले मैं बंद गोभी इसमें डालूंगी। ये ऑयल भी थोड़ा सा लेना, 2 टेबलस्पून के करीब मैंने ये ऑयल लिया इसके अंदर। ये ना देखिए, अब इसके अंदर मैं डालूंगी ये शिमला मिर्च, गिरनी वाली शिमला मिर्च में डाल दी मैंने। अब इसमें मैं येलो वाली शिमला मिर्च डाल रही हूँ, देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया ना, कलरफुल कितनी खूबसूरती लग रही है इसके अंदर। अब ये मैं हरी प्याज के पत्ते इसमें ऐड करूंगी, अभी सारे मसाले इसमें ऐड कर रही हूँ। रेडी हो गया है, अब मैं फ्लेम ऑफ करके इसके अंदर मिला दूंगी चिकन। इसलिए मैंने ऑफ कर दिया, सिर्फ 2 या 3 मिनट मैंने कुक किया है इसको। अब इसको ठंडा कर लेंगे, 2-3 मिनट में ठंडा हो जाएगा, और उसको किसी प्लेट में निकाल देंगे। ये अब अंडा फ्राई कर रही हूँ मैं, ये 3 अदर मैंने अंडे लिए थे, और इसमें फूड कलर मैंने इसमें मिला लिया थोड़ा सा, और थोड़ा सा उसमें नमक मिला लिया। ये अंडा हमारा तैयार हो चुका है। अंडा हमारा रेडी हो गया, अब मैं करती हूँ सैंडविच तैयार, ठीक है? ये देखिए, जब हम स्मॉल ब्रेड को किस तरीके से ज्वाइन करेंगे, इस तरीके से देखिए मैंने कटिंग कर ली, साइड कटिंग कर ली है। अब मैं इसमें पानी लगा लगा के इसके अंदर, ये देखिए हल्के हल्के हाथ से पानी लगाएंगे, ये लगा लिए फिंगर की मदद से, इस तरीके से इसको ज्वाइन कर लिया, देख दें इस तरीके से।
वाओ हमारी जाइंट पीसेस ब्रेड के रेडी हो गए। देखिए कितनी बड़ी मैंने ब्रेड बना ली, स्मॉल साइज की ब्रेड के देखें मैंने जॉइंट साइज के बनाई है, ज्वाइंट कर करके उसको मैंने जोड़ा है, पानी लगा लगा के वाटर से अच्छी तरह से जोड़ा है। ये देख सकते हैं, अब इसमें मैं फिलिंग करूंगी। ये जनाब ये सारी तैयारियां देख रही हूँ मैं जॉइंट सैंडविच की, तो देख के मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, यकीन माने मैं जल्दी से मैं तैयार करूँ और जल्दी से खाना शुरू करूँ। सबसे पहले मैं तंदूरी मायोस के अंदर लगाऊंगी। इसकी रेसिपी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। ये देखिए जनाब तंदूरी मायो लग चुका है हमारी जॉइंट ब्रेड के ऊपर। अब मैं ये सलाद के पत्ते की लेयर लगा रही हूँ, देखिए ये थोड़ी सी लेयर लगा रही हूँ। ये देखिए जी, अब ये इसमें चिकन जाएगी। बड़े तो खतरनाक किस्म का सैंडविच तैयार हो रहा है हमारा ये जॉइंट, के मजा आ जाएगा खाने वालों को और देखने वालों को भी, भाई बहुत मजा आ रहा है। अब ये जी इसमें अंडा लगेगा, ये देखिए जी अंडे की लेयर लग रही है। दिल चाह रहा ना आप लोगों में खाने का, अब जल्दी से जाएं किचन में और जल्दी से झटपट वाला आप ये भी सैंडविच बनाएं और जल्दी से अपनी फैमिली को भी खिलाएं। अब ये जी इसमें लगेगी मायोनीज वाली बंद गोभी जो मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई थी, अब ये डलेगी। इस साथ साथ मैं स्मॉल भी तैयार कर रही हूँ और जॉइंट भी तैयार हो रहा है हमारा। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया ना, देखें। अब ये लगेंगे देखिए इसमें टमाटर, टमाटर लग गए इसके अंदर। अब इसमें लगेगा खीरा, टोपा बनाया जा रहा है सैंडविच का, कलर सैंडविच का देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी की साइज का मैंने टोपा बनाया है इसका, ये जी टोपा ढक दिया इसका मैंने, ये टोपा ढक दिया है। अब इसके ऊपर ये चिप्स भी डाले जाएंगे, बहुत ही मजा का दो वाला हो गया इसका। ओह हो माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, देखें जी। और सर केचप भी डाला जाएगा इसके ऊपर और ये हरी प्याज के पत्ते डाले जाएंगे, केचप भी डाला जाएगा। अभी तो देखिए कितना मजेदार बन गया। देखिए आपने छोटे स्मॉल साइज के कलर सैंडविच तो देखे होंगे लेकिन आपने जॉइंट सैंडविच कभी देखा है नहीं देखा ना। ये देखिए जी जॉइंट सैंडविच कलर सैंडविच मैंने आज बनाया, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही यम्मी, बहुत खतरनाक किस्म का ये कलर सैंडविच बना है, वो भी जॉइंट। आज तक किसी ने भी बनाया इतना जबरदस्त कलर सैंडविच, वो भी स्मॉल साइज की ब्रेड से। और ये देखिए ये लग रही है इसकी मॉम और ये है इसका बेबी छोटा, साथ में मॉम और बेबी दोनों साथ में एक ही साथ बैठे हुए हैं। मॉम बेबी के साथ ही अटैच होकर बैठा हुआ, आपने देखा है हमेशा मॉम के साथ बेबी हमेशा होता है, अपनी मॉम के साथ ही होता है। इसी तरह कलर सैंडविच मॉम है, लार्ज वाला जॉइंट जो कलर सैंडविच मॉम है और जो छोटा वाला स्मॉल साइज का वो इसका जॉइंट कलर सैंडविच का बेबी है। अब इंशाल्लाह ताला मैं नई रेसिपी पर हाजिर होंगी, मुझे यकीन आपको ये मेरी जॉइंट कलर सैंडविच की वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। और पसंद आई तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में जाएं, अच्छे से कमेंट्स करें और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है मेरे कलर सैंडविच में। आपको भी यकीन आ जाएगा आप जब वीडियो देखेंगे पूरी एंड तक, तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे मेरी, आप मेरे
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अच्छे से कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा और आगे जरूर शेयर कीजिएगा। जब तक इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।